व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं रबड़ी खीर। खीर बनाने के लिए मुझे हमें चाहिए एक प्याली रबड़ी, जिसकी रेसिपी मैं बाद में आपको दूंगी। हसबे जरूरत चीनी, हाफ टी स्पून इलायची पाउडर, 2 टेबल स्पून नारियल पाउडर, 10 से 12 अदद बादाम, 10 से 12 अदद काजू, 20 से 25 अदद किशमिश, 10 से 12 अदद पिस्ता और 5 से 6 अदर अखरोट के। जिसके लिए मैंने 2.5 लीटर दूध लिया है, 1 कप मैंने चावलों का लिया था, जिसको मैंने अच्छी तरह धो के 2 से 2.5 घंटे भिगो लिया था और ऐसे मसल लिया था। व्यूअर्स, हमने इस एक पैन में दूध गर्म करने के लिए रख दिया है और दूसरी तरफ हमने एक पतीली में पानी रख दिया है 1 लीटर, जिसमें हम चावल बॉयल करेंगे। व्यूअर्स, हम चावलों को इतना गर्म करेंगे, इतना उबालेंगे कि ये अच्छी तरह गल जाएं। अच्छा व्यूअर्स, हमारे चावल बिल्कुल अच्छी तरह गल चुके हैं और अब इसमें डालने जा रही हूँ 1/2 टीस्पून नमक, क्योंकि इससे चावलों में, खीर में और चावलों में टेस्ट अच्छा आएगा। इसमें दूध में हमारे बॉयल आ गए हैं, अब इसमें 1/2 टीस्पून जो है इलायची पाउडर डालने जा रही हूँ। अब मैं चावलों को दूध में शामिल करूंगी। अच्छा व्यूअर्स, मैं अब चावलों को दूध में शामिल करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो मैंने दूध में शामिल कर दिया है और इसको तकरीबन 1 से 1.5 घंटा भी मैं पकाऊंगी इसको, और अच्छे इसमें मुसलसल चमचा चलाते रहना ताकि नीचे न लगे खीर। खीर हमारी इस कंडीशन में आ चुकी है, अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ किशमिश, और इसको मजीद अभी मैं 1 से 1/2 घंटा पकाऊंगी। 1 घंटा पका लिया है, अब इसमें बबल आने शुरू हो गए हैं। अब इसमें शामिल करने जा रही हूँ चीनी हसबे जरूरत। ये ड्राई फ्रूट मैंने कट करके रख लिए थे, आधे अभी मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ, आधे गार्निश के लिए बचाऊंगी। चीनी मैंने डाल दी है, अब इसको तकरीबन मैं 10 से 15 मिनट और पकाऊंगी। हमारी अच्छी तरह पक चुकी है, अब इसमें शामिल करने जा रही हूँ रबड़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खीर में चीनी हमें कम रखेंगे क्योंकि हमारी रबड़ी भी मीठी है। रबड़ी डाल के हमने 1-2 मिनट पकाना है, फिर चूल्हा बंद कर देना। हम थोड़ी देर ठंडा करके गार्निश करेंगे। डिश आउट कर लिया है, इसको गार्निश करके इसकी फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। सबसे पहले नारियल डालेंगे, अब बाकी के हम बादाम पिस्ते और काजू वगैरह गार्निश करते हैं। हमारी रबड़ी खीर बिल्कुल तैयार है, और आप भी अपने घरों में बनाइएगा, कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। लाइक करें, शेयर करें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।